महाराज की जय सिंहदेव जय जय सिंहदेव। डॉक्टर ने महिला का गांठ बताकर किया ऑपरेशन, फिर भी लगातार रहता था महिला को दर्द, जिसके बाद मनु भैया की चर्चा को सुन गुरुग्राम के शनिधाम पहुंची महिला। लोगों ने देखा मनु भैया का चमत्कार, एक ही फूंक से पहाड़े मार कर चीखने लगी महिला। फिर भड़के मनु भैया, कहा डॉक्टर पैसा बनाने के लिए करते हैं इलाज, कोई बीमारी नहीं, महज नकारात्मक ऊर्जा का है समावेश। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव जय जय शनिदेव। क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, वो काट दी, वो नहीं काट दी डॉक्टरों ने, 3 महीने हो गए। फिर आज दोबारा ऑपरेशन बोल रहा था। क्यों? जो बोले अभी वो रह गई। कहाँ है डॉक्टर? जब हाथ लगाती है महसूस होती है गांठ पर दर्द रहता है? दर्द ही रहता है। दर्द को ही गांठ बता रहे हैं? अभी दर्द है। अच्छा, तो दर्द को देखते हैं ना हम, गांठ को क्या देखे? दर्द नहीं रहे तो गांठ भी नहीं है। बोलो भाई यहाँ के ना भाई, दर्द के कारण तू डॉक्टर के गई, दोबारा दर्द रहा, पहले भी जो दर्द था उसकी भी गांठ बताई, तो वो जब पहले दर्द था उसकी गांठ बताई तब तूने छू के देखा गांठ थी? कितनी बड़ी गांठ थी? इतनी बड़ी गांठ उन्होंने निकाल के बाहर की तो वो आपके सामने ऑपरेशन किया? नहीं सैंपल लेंगे। क्यों? तू कमरे में क्यों नहीं था? पैसे तूने दिए, साइन तूने किए, कमरे में क्यों नहीं था? तो बाहर एलईडी के सामने बैठाते ही डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। डॉक्टर ने दारू पी के ऑपरेशन कर दिया तब क्या करेगा? करते नहीं है फिर है? लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? जब वो अल्कोहल की माउथ लेके या क्या कहते हैं मात्रा लेके ऑपरेशन कर सकता है, तुम अल्कोहल की मात्रा लेके ऑपरेशन को देख सकते हो? तुम्हारा अधिकार नहीं है क्या? तुम्हारा आदमी को कोई काट पीट रहा है और गलत काम कर दे, अपना तौलिया भूल गया, कम से कम तुम बाहर से बता तो दोगे सरदार जी कि भाई तू तौलिया भूल गया, डॉक्टर अपना निकाल ले। क्या ऐसे केस नहीं आए? कितने आए? हजारों आए हैं, हजारों, लाखों आए हैं, लाखों, और फिर कहते हैं डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हो गया है। हम मूर्ख है क्या? डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हो गया है जी? पैसा भी दो और डॉक्टर की लापरवाही भी सहन करो और फिर दोबारा ऑपरेशन करने के भी पैसे ले। देखो है ये भांड, और हम सुमन नाम है, पूनम, आंखों में देख दर्द है अभी? बोलिए शनिदेव महाराज की पूनम, दर्द है अभी? अभी तो जाप भी शुरू नहीं कर रहा, दर्द नहीं है, आंख में देखने से पहले दर्द भाग गया। थोड़ी देर पहले दर्द। देखो जी मेरे पास तो एक वो लाठी सी रखी है महात्मा वाली, कोई झूठ बोलता है तो देखो। देखो जी मैं तो एक बात बताता हूँ, कई बार दोषी को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है ताकि दोषी अपना अपराध स्वीकार कर ले और वो पिटने में बच जाए, है ना? अच्छा एक बात, पुलिस वालों को पता होता है इसने दोष किया है, लेकिन मारते उससे दूसरे को है ताकि वो बिना बात के पहले ही कबूल कर ले। नहीं बाबा ठीक है, ये मैं इतने मारूंगा कुछ नहीं है, तूने हर बार कहना पड़ेगा दर्द है दर्द है दर्द है। दर्द था, पहले दर्द था, अब है? अब नहीं है। क्यों? क्या बताओ सब। नहीं दर्द पीछे कैसे चला गया ये बता भाई, और दर्द तो गांठ का है, 3-4 दिन से हो रहा है। पूनम नाम है, आंखों में देख। दर्द तो अगर भी रहा पूनम। बोलिए शनिदेव महाराज की शुक्र कर मेरा, मैं तो इसी के चक्कर में डॉक्टर फिर लूट के खा जाता, पहले लूट के खाया अब फिर लूट के खाएगा। पूनम क्या हो रहा है? दर्द पेट में कैसे गया भाई? दर्द चल रहा है?
दर्द चल रहा है तो कौन सा डॉक्टर भारत का इलाज करेगा, डॉक्टर आ जाए आगे। एक बात बताओ, जो दर्द चल रहा है उसका कौन सा डॉक्टर भारत का इलाज करेगा, वो डॉक्टर आ जाए आगे मेरे सामने। और ये कहते ले रहे मनु भैया से पंगा, ये कहते मैं ठीक करूँगा, फिर बताऊँ मैं उसकी बत्ती सी बाहर करके दिखाऊँ कि तू कैसे ठीक कर देगा इसको, ठीक है कि नहीं। जो दर्द चल रहा है उसका डॉक्टर इलाज क्या करेगा ये बता दो तू मुझे, है ये क्या हालत हो गई है इसकी एक बार आंख में देखने के बाद। तो कौन सा डॉक्टर है दुनिया में जो ठीक करेगा, मुझे बताओ ना। आखिरकार ये अंग्रेजी डॉक्टर क्या चौधरी बनते हैं, नहीं कई डॉक्टर तो चौधरियों के भी तो होते हैं, है ना, चौधरी हॉस्पिटल भी तो है कई, ऐसे नहीं कहना भाई, है जी। अब कोई डॉक्टर चौधरी हो तो फिर क्या करेंगे भाई, नहीं बाबा जी। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। कहाँ से निकाल के देते ये तो पूछ लो, अब दर्द फिर कमर में चला गया, पेट से, पेट से फिर पेट में चला गया, नहीं समझे, नीचे चला गया, उतर उतर, इस दर्द को निकालेगा कौन, पहली बार भी ना इसकी आसिया अरे भाई जब शरीर में पेट है तो पेट से ही सारे रोग होते हैं, दुनिया का कोई इतना महान डॉक्टर नहीं है एलोपैथी का जो इलाज कर दे एक बार भी, और इसको कोई और रोग भी नहीं है भाई शरीर में। मेरे को तो झटका लग रहा है, वो पहला ऑपरेशन भी तेरे फ्री में ही करवा दिया, तू कह रहा गांठ निकाल के दी थी, डॉक्टर फंस जाए सा सत में आ जाए, ठीक है जब कुछ ना पाता ना तो बच्चे दानी का एक हिस्सा उड़ा के देते हैं बाहर निकाल के। अगले भाई ठीक है, सब जानू मैं इनकी चाल, सारे डॉक्टर ऐसा ही करते हैं, सारे तकरीबन 90% डॉक्टर, 10% डॉक्टर छोड़ के सारे देश के गद्दार हैं, क्यों है भाई बताओ, क्यों है ऐसा, क्यों करते हैं, केवल लोभ के मूल में, पैसा खाने के चक्कर में, और सारी दुनिया जानती है, या तो हिंदुस्तान जानता है, पैर रखते ही कि हॉस्पिटल में आ गए तो बेटा फंस गए, गए तुम्हारे पैसे भी गए और पता नहीं मरीज के साथ क्या क्या होगा, क्यों डरता है। इसका मतलब सरकार का कोई अंकुश नहीं, सरकार की कोई लगाम नहीं है इन डॉक्टरों के ऊपर, और कानून कोई नहीं है इनके पीछे। आदमी मर जाए ऑपरेशन करने में तो पहले साइन करा रखे हैं अगले ने, तो संसद में यह मुद्दा नहीं उठाते कि सबके बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, है भगवान की तरफ से दर्द होता है, गर्भ बाहर आता है, है? अरे सबके तो हो रहे हैं ऐसे ही, फिर ऐसा क्या हो गया कि औरत में 40 साल पहले सबके बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते थे और आज सबके अब नॉर्मल से होते हैं, है? ये पैसा सरकार को जाता है क्या, कौन है दोषी इसके पीछे बताओ मेरे को, है वो डॉक्टर जो खुद नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है दूसरों को अब नॉर्मल कर रहा है, कहा है भाई, बच्चे का कोई अंग कट जाए 100 बार फिर क्या करेंगे, और कटता नहीं है क्या, सरदार जी का बच्चा हाथ में से नीचे पटक दिया एकदम से डॉक्टर ने, नीचे छूट गया है, सर पिल पिला रहा 6 महीने तक, एक दाई ने 3 गांव के 3-3 पीढ़ियों के लोग वो पैदा कर दिए,